हाई कोर्ट ने आपके नेता सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे और दुर्गेश पाठक को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे और चार्टेड अकाउंटेंट संदेश जाजू को बदनाम करने की साजिश करने के लिए फटकार लगाई है। न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को आदेश दिया है कि वे सोशल मीडिया सहित अन्य सभी मीडिया पर श्याम जाजू और उनके बेटे को बदनाम करने वाली पोस्ट को तत्काल से डिलीट कर दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि श्याम जाजू और उनके बेटे को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, जो दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। गौरतलब है, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने श्याम जाजू पर आरोप लगाया, मीडिया में बयान दिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए। श्याम जाजू ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मानहानि का मुकदमा दायर किया। श्याम जाजू ने आपके चार नेताओं पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद श्याम जाजू ने कहा कि अब सब कुछ साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश की थी। इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के चारों नेताओं को तथ्यहीन एवं बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। श्याम जाजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई नेताओं ने बीजेपी के बड़े नेताओं को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद तथ्यहीन बयान दिए और कोर्ट के फटकार के बाद माफी मांगी है।